नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लापरवाही करने वालों पर दिखाई गई सख्ती। बिहार के 7 नेशनल हाईवे पर 58 ब्लैक स्पॉट को किया जाएगा खत्म। बिहार के आम लोगों को अब आसानी से मिलेगी अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी। बिहार में मिले कोरोना के इतने मामले, रविंद्र जडेजा ने खेली शानदार पारी। तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड में निकाली वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए हम सूचना। सिटी के कामकाज को देखने के लिए 30 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों पर बहाली के लिए भारी भरकम शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं अनिवार्य की गई है। यही कारण रहा कि सृजित पदों पर संपूर्ण बहाली नहीं हो सकी है। इन 30 पदों में बमुश्किल 6 से 7 पद भर पाएंगे वहां। हालांकि चयन के लिए योग्यताएं केंद्र सरकार तय करती है। हर बार बहाली की वैकेंसी निकाली जाती है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस बार भी nagarseva.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार के 7 नेशनल हाईवे पर 58 ब्लैक स्पॉट को किया जाएगा खत्म। बिहार में जल्द ही 7 नेशनल हाईवे पर 58 ब्लैक स्पॉट को खत्म किया जाएगा। जानकारों की माने तो अगले साल तक काम हो जाएगा। इनमें NH2, NH28, NH30, NH31, NH57, NH77 और NH83 शामिल है। सबसे अधिक ब्लैक स्पॉट NH2 शामिल है। 58 ब्लैक स्पॉट में से 41 का काम NHAI करवाएगा। अन्य की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारों को दी जाएगी। इससे पहले 2020-21 में 18 ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का लक्ष्य था। यह काम अंतिम चरण में है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के NH पर 2015-19 के बीच हुए सड़क हादसों के डेटा के आधार पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 58 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया था। उन सभी को रोड सेफ्टी ऑडिट कराया गया था। रविशंकर प्रसाद ने की मेदांता के अध्यक्ष से खास अपील। NMCH, PMCH और एम्स जैसे बिहार के नामी अस्पतालों में कोरोना के माहौल में मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि अब बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत नीतीश सरकार ने जयप्रभा अस्पताल के 7 एकड़ बेशकीमती जमीन मेदांता हॉस्पिटल को लीज पर दी थी। वहां पर मेदांता समूह ने बड़ा अस्पताल बनाया है। उस अस्पताल में कोविड हॉस्पिटल खोलने के लिए सीएम नीतीश की तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन अब कोरोना अस्पताल नहीं खुल सका है। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेदांता ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहान से आग्रह किया है कि पटना के कंकड़बाग अवस्थित मेदांता अस्पताल को अविलंब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल शुरू किया जाए। बिहार में विशेष विमान से लाने के लिए भेजा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच और इसके इलाज को लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। हालांकि इन सब के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन संजीवनी बनकर लोगों के सामने आया है। नीतीश सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद विशेष विमान की सहायता से रेमडेसिविर इंजेक्शन को बिहार लाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत अब राज्य सरकार अहमदाबाद विशेष विमान भेजेगी और वहां से रेमडेसिविर दवा लाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विशेष विमान भेजकर अहमदाबाद से 14,000 रेमडेसिविर दवा शीघ्र लाई जाएगी। सहरसा में बन रहा कोसी क्षेत्र का पहला पावर ग्रिड, सहरसा वासियों के लिए अहम सूचना। बिहार के कोसी क्षेत्र के सहरसा जिले में 1400 MVA क्षमता वाले पावर ग्रिड के तय समय में पूरा होने में कोरोना संक्रमण बाधक बन गया है। कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखकर टेस्टिंग के लिए मुंबई और चेन्नई से विशेषज्ञ नहीं आ रहे हैं। मजदूर भी काम करने से परहेज करने लगे हैं। हालांकि अब मई महीने के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पावर ग्रिड का काम पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च ही निर्धारित किया गया था। पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सिहौल गांव स्थित सहरसा उपकेंद्र का काम पूरा करने की समय अवधि अब मई अंत तक निर्धारित की गई है। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लापरवाही करने वालों पर दिखाई गई सख्ती। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में लापरवाही करने वालों पर अब सख्ती दिखाई गई है, जिसके तहत वैसे ठेकेदार जो सड़क निर्माण नहीं कर रहे हैं या कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं, उस पर कार्रवाई की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दर्जन ठेकेदार को डिबार कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वो ठेकेदार विभाग के अगले किसी टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण समय पर नहीं हो पा रहा, कई इंजीनियरों तो कहीं अधिकतर जगहों पर एजेंसी की लापरवाही के कारण सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोकनाथ की। आलोकनाथ का जन्म बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। आलोकनाथ एक भारतीय फिल्म चरित्र अभिनेता हैं, जो हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत 1982 की फिल्म गांधी से की थी, जिसमें उस साल बेस्ट पिक्चर के लिए अकेडमी अवार्ड भी जीता था, जब उन्होंने सोप ओपेरा बनियाड में दिखाई दिए थे, जिसमें 1986 में देश में तूफान ला दिया था। वो रिश्ते में भी थे, जो 1999 से 2001 तक प्रसारित हुआ था। वो स्टार प्लस के धारावाहिक जैसे सपना बाबुल का, विदाई, यारों के घर घर की और ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी नजर आए थे।
कोविड 19 के फिर मिले 12,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर के 12,795 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 87,154 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 111, अरवल में 132, औरंगाबाद में 682, बांका में 126, बेगूसराय में 550, भागलपुर में 681, भोजपुर में 140, बक्सर में 165, दरभंगा में 150, ईस्ट चंपारण में 266, गया में 1340, गोपालगंज में 63, जमुई में 177, जहानाबाद में 373, कैमूर में 109, कटिहार में 143, खगड़िया में 221, किशनगंज में 112, लखीसराय में 150, मधेपुरा में 207, मधुबनी में 314, मुंगेर में 250, मुजफ्फरपुर में 472, नालंदा में 226, नवादा में 222, पटना में 1848, पूर्णिया में 397, रोहतास में 233, सहरसा में 252, समस्तीपुर में 438, सारण में 707, शेखपुरा में 35, शिवहर में 62, सीतामढ़ी में 134, सिवान में 270, सुपौल में 286, वैशाली में 384, वेस्ट चंपारण में 347 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 49 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उनके सैंपल बिहार में ही कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर 7,533 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,14,286 पर पहुंच गई है। बिहार में डॉक्टर नेता के बाद आईपीएस अधिकारी की कोविड 19 की वजह से गई जान। कोविड 19 ने अपने चपेट में अब तक कई लोगों को ले लिया है, वहीं कोविड 19 के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। इसी बीच बीते दिन एक आईपीएस अधिकारी की जान भी कोविड 19 के कारण चली गई। बिहार कैडर के सीनियर आईपीएस अरुण चौधरी की कोरोना से जान चली गई। वो पटना में एसपी के पद पर रह चुके थे। उनके गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक प्रकट किया तथा परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अरुण चौधरी 1977 बैच के बिहार कैडर के अफसर तथा सशस्त्र सीमा बल के डीजी भी रह चुके थे। आपको यह भी बता दें कि बांका के धौरैया में पदस्थापित 45 वर्षीय डॉक्टर प्रेमराज बहादुर की जान भी चली गई थी। बिहार के आम लोगों को अब आसानी से मिलेगा अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच आम नागरिकों के सामने बड़ी दुविधा कर खड़ी हो गई है। जेब में पैसे होने के बावजूद अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, जिसके कारण कई बार मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमने में काफी समय बर्बाद करना पड़ रहा है। हालांकि बिहार सरकार ने अब इसका समाधान निकालते हुए आम लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में खाली पड़े बेड की जानकारी देने का रास्ता निकाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा गया है। इसको अगले 2 से 3 दिनों में अपडेट कर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। इसकी जानकारी में स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक निदेशक ने दी है। उन्होंने बताया कि किस अस्पताल में कितने बेड है, ऑक्सीजन युक्त कितने बेड है और आईसीयू की सुविधा कितने बेड पर है, इन सब बातों की जानकारी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर बैठक हुई है। सीपीआईएमएल ने की मुख्यमंत्री से खास अपील। कोविड 19 के बढ़ रहे मामलों के बीच सीपीआईएमएल ने मुख्यमंत्री से बीते दिन खास अपील की है, जिसके तहत भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों में आवश्यक संसाधन सरकार उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही भाकपा माले ने राज्य सचिव कुणाल से अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है उसका भी खर्च सरकार वहन करे। कोरोना की दूसरी लहर बेहद भयावह है, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। समय पर ऑक्सीजन अथवा वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस वजह से वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं कम पड़ रही हैं। कई अस्पतालों ने बताया है कि उन्होंने जिला प्रशासन से कई बार वेंटिलेटर उपलब्ध कराने का आग्रह किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। बिहार में जून महीने से हो सकती है प्री मॉनसून की बारिश। बिहारवासियों के लिए अहम सूचना। बिहार में मॉनसून को लेकर कहा जा रहा है कि मध्य जून यानी कि 14 जून तक प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे सकता है। अब तक मौसम की गतिविधियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य जून तक प्रदेश में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। प्रदेश में प्री मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। यह भी आपको बता दें कि वैशाली से लेकर पूर्णिया तक तेज आंधी के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में जून से लेकर सितंबर तक मॉनसून की बारिश होती है। रमजान के महीने में मुस्लिमों ने दिखाई दरियादिली। कोविड 19 के इस माहौल में मानवता पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। इस बीमारी के कारण अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया है। ऐसा ही कुछ मामला हाल ही में बिहार के गया जिले में देखने को मिला, जिसके तहत बिहार के गया जिले में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने समाज के लिए एक मिसाल भी पेश की है। दरअसल मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार कर समाज में एक बड़ा संदेश पहुंचाया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मुस्लिम युवक राम नाम सत्य बोल करके कंधे पर अर्थी को ले जाते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो महिला कई दिनों से काफी ज्यादा बीमार चल रही थी। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी कोविड 19 की रिपोर्ट नेगेटिव बताई थी, लेकिन परिजनों को इस बात की आशंका थी कि शायद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। यही कारण है कि महिला के गुजर जाने के बाद परिजनों ने उन्हें सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद कुछ मुस्लिम युवक ने मिलकर महिला का अंतिम संस्कार किया।
मुजफ्फरपुर के शाही लीची की शुरू होगी ऑनलाइन बिक्री। कोविड-19 के माहौल में सब कुछ बदल गया है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची की मार्केटिंग में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र की मदद से शाही लीची ऑनलाइन बेचने की तैयारी की जा रही है। जानकारों की माने तो उत्तर बिहार में 28,000 हेक्टेयर में 40,000 से अधिक किसान परिवार लीची की खेती करते हैं। पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने उन्नत लीची कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम का मकसद बगानों का उन्नयन, लीची का उत्पादन को दोगुना करना तथा कम दामों में बाजार में उपलब्ध कराना था। वहीं इस मौके पर प्रबंधक अभिनव कुमार ने बताया कि 15 मई से लीची बाजार में आने की उम्मीद है, जो कि सीधे बाग से बाजार तक पहुंचाई जाएगी। कोविड-19 मरीजों के लिए आगे आए नित्यानंद राय। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच समस्तीपुर जिले के उजियारपुर सांसद से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत उन्होंने जिले के पटोरी में 2 ऑक्सीजन प्लांट, 4 वेंटिलेटर, 4 पोर्टेबल एक्सरे मशीन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए भी दिए हैं। इस महामारी से निपटने के लिए मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया है कि सांसद निधि का 2019-20 का पैसा खर्च नहीं हो पाया था, इसके खर्च करने की अनुशंसा की गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराए जाने की मांग। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हाल ही में राज्य सरकार के सामने कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपनी मांग रखी है, जिसके तहत उन्होंने अपने बयान जारी करते हुए कहा, कोविड-19 का असर शहरों के साथ साथ गाँव में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रित नहीं किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में तत्काल ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर देते है, तो आसानी से बहुतों की जिंदगी बचाई जा सकती है। ऐसा देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में ही ज्यादा लोग दम तोड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना बूथ कोरोना मुक्त के सूत्र को धरातल पर उतारने की कही बात। कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच भाजपा की तरफ से भी मदद का हाथ बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सह सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने भाजपा के मोतिहारी विधानसभा की वर्चुअल बैठक में श्री सिंह ने वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति का जायजा लिया। श्री सिंह ने बैठक से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रभावित परिवारों का हाल खबर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने अपना बूथ कोरोना मुक्त के सूत्र को धरातल पर उतारने के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी का समय दोषारोपण का नहीं है, बल्कि शासन प्रशासन का सहयोग करना और जरूरी सूचनाएं पहुंचाना हमारा दायित्व है। कोविड-19 से निपटने के लिए तेजस्वी यादव ने दिया सुझाव। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है, जिसके बाद से ही लगातार विपक्ष की तरफ से भी सरकार को कई सारे सुझाव अब तक आ चुके हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन अपना सुझाव सरकार के सामने पेश किया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि तमाम तरह के साधन संसाधन व्यवस्था शासन प्रशासन होने के बावजूद भी अगर बिहार सरकार को किसी प्रकार की कोई कमी है तो हमेशा की तरह हमारे सभी विधायक अपना वेतन सरकार को देने के लिए तैयार है, बशर्ते उसका इस्तेमाल पारदर्शिता से महामारी से प्रभावितों के लिए किया जाए। लालू के लाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच में सियासत भी तेज हो गई है। कोरोना महामारी के दौरान खराब व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। पिछले दिनों राजद ने सरकार पर भरोसा जताया था कि हम पैसे से आपकी मदद करेंगे। इधर लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व सांसद मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिए बगैर ही पीएम मोदी पर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुमशुदा की तलाश, नाम, सिस्टम, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 6 इंच, चेहरा सफेद दाढ़ी से भरा, राष्ट्रपिता मुंह से गांधी और मन में गोडसे, कमजोरी कैमरा और फिल्मी अभिनेता, ताकत सफाई से झूठ बोलना, शौक लोगों को अपना भक्त बनाना, काम धन्ना सेठों की गुलामी, आदत कमजोरों को दबाना। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य आज के दिन बना। साल 1980 को स्थानीय खगोल विज्ञान केंद्र कलकत्ता को स्थापित आज के दिन किया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1993 में बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 60 लोगों की जान आज के दिन गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2006 में 6 संधि पर हस्ताक्षर आज के दिन किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में बना 390 मेगावाट का दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट 2008 में देश को समर्पित आज के दिन किया था। बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केला के रूप में करने का 2010 में फैसला आज के दिन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में देश का संबोधन किया। इसके तहत उन्होंने कहा था कि आज आपसे ऐसे समय में मन की बात कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम ने कहा कि हम पहली लहर को पार करने के बाद आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन दूसरी लहर ने देश को झकझोर दिया है। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने कोरोना के बीच मोदी सरकार की पूरी व्यवस्था विफल होने की बात कही। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण देश के लोगों को हो रही पीड़ा से उबारने में मदद करना पार्टी का कर्तव्य है। आईपीएल 2021 के 19वें मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने खेली शानदार पारी। बीते दिन आरसीबी और चेन्नई के बीच खेले गए
आईपीएल 2021 के 19वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिया। जडेजा ने सिर्फ 28 गेंदों में नाबाद 62 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जडेजा ने 20वें ओवर में 37 रन जड़े। इसके साथ ही सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए 20वें ओवर में 37 रन दिए। वहीं जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए और 69 रनों के साथ शानदार जीत दर्ज की, जिसके बाद चेन्नई की टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। व्हाट्सएप पर अब आसानी से पढ़ सकते हैं डिलीट हुआ मैसेज। व्हाट्सएप पर यूजर को ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, ऐसा ही एक फीचर डिलीट फॉर एवरीवन का भी है। हालांकि आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए आप डिलीट हो चुके मैसेज को भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्स रिमूव्ड प्लस डाउनलोड करना होगा। व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन की ट्रैकिंग के लिए व्हाट्सएप ऑप्शन को चुनकर कंटिन्यू पर टैप करें। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइल सेव की जाए या नहीं। आप अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं। यहीं आपको वो मैसेज भी दिख जाएगा जो किसी ने भेज कर डिलीट कर दिया हो। कोविड-19 के माहौल में मदद के लिए आगे आए अक्षय कुमार। कोविड-19 के माहौल में अभिनय की दुनिया में मदद के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में अक्षय कुमार ने भी मदद का हाथ अब आगे बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कुमार ने गौतम गंभीर फाउंडेशन को 1 करोड़ रुपए डोनेट किया है। गौतम ने इसके लिए अक्षय को धन्यवाद देते हुए ट्वीट में लिखा, इस अंधकार में दौर में हर मदद एक उम्मीद की किरण है। अक्षय कुमार गौतम गंभीर फाउंडेशन को जरूरतमंदों तक खाना, दवाइयां और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपए दान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम गंभीर के ट्वीट पर अक्षय कुमार ने भी जवाब दिया। अक्षय ने ट्विटर पर लिखा, ये मुश्किल समय है गौतम गंभीर और मुझे खुशी है कि मैं मदद कर पाया। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 25 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,940 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,940 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.37 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.53 रुपए प्रति लीटर था। पप्पू यादव ने कोविड-19 की लड़ाई में बिहार सरकार के विफल होने की कही बात। कोविड-19 के मामले दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान बिहार में दर्ज कर रहे हैं। इसी बीच विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में कोविड-19 मरीजों को डॉक्टर और नर्स नहीं देखते हैं, यहां के हालात और भी ज्यादा बदतर हो रहे हैं। सरकार को इस अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लानी चाहिए, साथ ही पीएमसीएच को स्वायत्त संस्थान दर्ज देना चाहिए जिससे यहां सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार को कोविड-19 नियंत्रण हेतु दिल्ली एम्स की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही पप्पू यादव ने यह भी साफ कहा कि कोविड-19 की इस नई लहर में बिहार सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सिंधु कुमारी, प्रिया रंजन, दिव्यांशु कुमारी, अनिल कुमार, मोहम्मद शाहिद, जयकृष्ण कुमार, शिवम कुमार, विनोद कुमार, सचिन कुमार, असलम राज, श्वेता रॉय, प्रदीप। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से आप संतुष्ट है या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर।